क्या बेरे टाउन और ब्लूवर सिटी आपस में जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं? एज पर द चेयरमैन ऑफ ब्लूवर सिटी साद वजीर साहब, उन्होंने एक रिसेंट सेल्स पार्टनर मीटिंग में कहा था कि हमने कुछ लैंड जो है वो बैरियर टाउन फेज 8 के बिल्कुल सामने अड्याला रोड पे वहाँ प्रोक्योर कर रखी है। हम चाहते हैं कि हम बैरियर टाउन के साथ जेवी करें। बैरियर टाउन जो कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट का सबसे बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान के जितने मेजर शहर हैं जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, इसके अलावा नवाबशाह है, जहाँ पे उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट डिलीवर करके दिखाए हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के अगर सबसे बड़ा सूबे की बात की जाए तो पंजाब है, और पंजाब का दारुल हुकूमत आपका लाहौर बनता है। वहाँ पे सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बैरियर टाउन है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की तो कराची है, और कराची के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो बैरियर टाउन है, वहाँ पर उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। अगर हम बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, बैरियर एनक्लेव, बैरियर हिल्स, बैरियर एनक्लेव 2 या बैरियर हिल्स कह लें, उसके साथ साथ बैरियर टाउन रावलपिंडी, जिसके 8 फेजेस मुकम्मल हैं और डिलीवर करके दिखाया है, और आगे जो पेशावर में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उनका नाम जो है वो जिस प्रोजेक्ट के साथ लगता है वो प्रोजेक्ट वैसे ही ब्रांड बन जाता है। तो अगर ब्लूवर्ड सिटी ने वहाँ पर लैंड प्रोक्योर कर लिया और वहाँ पर फ्यूचर में वो जेवी कर लेते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, यानी कि बैरियर टाउन को लैंड प्रोवाइड कर देते हैं और बैरियर टाउन वहाँ डिलीवर करके ब्लूवर्ल्ड सिटी से कनेक्ट कर लेता है बिहाइंड जरार कैम्प, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो इस केस में होगा वो ब्लूवर्ल्ड सिटी होगा, क्योंकि ब्लूवर्ल्ड सिटी के पास जो ट्रंप कार्ड है इस वक्त वो है लैंड। ब्लूवर्ल्ड सिटी आगे फ्यूचर में जाकर कैपिटल स्मार्टी को भी लैंड प्रोवाइड करेगा मोटरवे के राइट साइड पे। अगर बैरियर टाउन को भी लैंड प्रोवाइड करते हैं तो बैरियर टाउन से जो रिंग रोड का आगाज होगा, जो अडियाला रोड पर इंटरचेंज बनता है, उस इंटरचेंज से लेके जहाँ मोटरवे तक मिलेगा, यहाँ टक से जाकर इंटरचेंज कनेक्ट होगा के उस पॉइंट तक सारी जो लैंड होगी वो मोस्टली ब्लूवर्ल्ड सिटी के पास होगी, जहाँ पे ब्लूवर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट क्लेम करती है कि हम दुबई की तरफ पे, जैसे वहाँ पे शेरजाद एवेन्यू है, इसी तरह पे हम यहाँ पे 500 फीट का मेन बुलेवर्ड बनाएंगे जिससे तमाम सोसाइटीज आपस में कनेक्ट होंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू में इजाफा करेगा ब्लूवर्ल्ड सिटी की, क्योंकि ब्लूवर्ल्ड सिटी की जो ब्रांड वैल्यू अभी जो है वो इसलिए है कि ब्लूवर्ल्ड सिटी ने अपनी सोसाइटी पे ओवरऑल जो उसके लैंडस्केपिंग कह लें, उसे मेकअप कह लें, ओवरऑल जो चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, मेन गेट 1 हो गया, मेन गेट 2 हो गया, हॉर्स मैस्कट्स हो गए, आपका जो वाटर थीम पार्क है, आपका बुर्जुल अरब का रेप्लिका, इन चीज़ों को बनाने से अभी तक जो ब्रांड वैल्यू ली है यहाँ से ली है, प्रोडक्ट डिलीवर करने से अभी तक नहीं ली। प्रोडक्ट डिलीवर जब होगा विद द पैसिव टाइम, चूंकि लैंड है, जब ज़मीन होती है तो डिलीवरी हो ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़मीन हो ना आपके पास तो आज नहीं तो कल डिलीवर हो जाएगा, लेकिन डिलीवर ज़रूर होगा। तो इस केस में क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस अभी लगने हैं, डेवलपमेंट चार्जेस के पैसों से ऑटोमेटिकली ज़मीन तो डिलीवर हो जाती है। डेवलपमेंट चार्जेस जाहिर सी बात है कि आज की डेट में लेट्स से जी ब्लूवर्ल्ड सिटी ने अनाउंसिंग की, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन लेट्स सपोज वो 5 लाख या 6 लाख भी लेते हैं पर 5 महला के प्लॉट के, तो एक कनाल में 4-5 महला के प्लॉट बनते हैं, तो 22-24 लाख रुपये आपके कनाल के ऊपर जब रिकवरी आएगी आपकी डेवलपमेंट चार्जेस की, तो हार्डली 7-8 लाख-9 लाख रुपये डेवलपमेंट कॉस्ट होगी पर कनाल के लिहाज से। तो मेरा ख्याल है कि डिलीवरेंस इज नॉट द इशू, इफ़ यू हैव द लैंड डिलीवर हो जाता है। अगर बैरियर टाउन का नाम साथ जुड़ जाता है, जैसे कैपिटल स्मार्टी का नाम साथ जुड़ चुका है, जेवी हो चुके हैं इंटरचेंज के लिए, ब्लूवर्ल्ड सिटी का डाउनटाउन और कैपिटल स्मार्टी का ओवरसीज सेंट्रल आपस में कनेक्ट करेंगे वाया मेन बुलेवर्ड और 400 फीट रोड, और अपोजिट साइड पर DHA 9 के साथ जो एडजेसेंट लैंड है वो भी ब्लूवर्ल्ड सिटी के पास है, और कैपिटल स्मार्टी के पास भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि एक साथ ही आ जाएंगे, और फ्यूचर में ब्लूवर्ल्ड सिटी को बड़ा ब्रांड भी लाने जा रहा है जिसका जेवी करेगा मोटरवे के राइट साइड पर। और ब्रांड का मुझे तो पता है, लेकिन अभी तक वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक नहीं कर सकते। जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, इंटरचेंज बन चुका होगा, तो मेरा ख्याल है कि ब्लूवर्ल्ड सिटी का इसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और उन मेंबर्स को ज़्यादा फायदा होगा जिन्होंने ऑलरेडी ब्लूवर्ल्ड सिटी में निचली रेट पर, जैसे आजकल के रेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स वैली का रेट आपको 1.5 लाख में बुकिंग मिल जाती है, 22 लाख का 5 महला प्लॉट है, वाटर फ्रंट में आपको 1,75,000 रुपये में 6 महला का प्लॉट मिल जाता है, और अवामी ब्लॉक में आपको 4.5 महला का प्लॉट 87,500 रुपये में मिल जाता है। तो इन प्राइस पर बुकिंग की होगी, जाहिर सी बात है उन मेंबर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, बट ये बेनिफिट जो वो आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, एटलीस्ट 5 से 10 साल बाद होगा। तो अगर आपके टाइम फ्रेम जेन में है, एटलीस्ट इतना टाइम जेन में रख के आप ब्लूवर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप फॉरन कोई प्लॉट कब्जे वाला चाहते हैं तो ब्लूवर्ल्ड सिटी का रीसेल का प्लॉट परचेज कर लें, अदरवाइज आपके पास अच्छा, अगर आपको प्लॉट चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, जहाँ पर सारा कुछ आबाद हो चुका हो, मोस्टली चीज़ें बन गई हों, तो आपके पास कैपिटल स्मार्ट का ऑप्शन तो है ही। तो फिर दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे। अगर आप कैपिटल स्मार्ट या ब्लूवर्ल्ड सिटी में बुकिंग वाले कुछ मालूम चाहिए देख नंबर पर रब्ता करें, इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए, खुदा हाफिज़।